जलवा फिगर नहीं हुआ। और लफ्ज बेहतर करता हूं, ये जात मक्के में आने वाली नहीं है। मक्के में इसने नुज़ूल सानी किया है, मक्के में इसने जलवा सानी किया है। मुझे कहने दीजिए और मेरे कहने के पीछे मेरे पास दलाइल है कि ये वो जात है जो हर जमाने में नबियों की मदद के लिए आती रही। यही तो है जिसे रूहुल कुदस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे बच्चों ने, जवानों ने वाला का एक लकब सुना है, लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं उसे अलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा, और कल मैं उसे अलम दूंगा जो मैदान में जाएगा जीतने के लिए, भागने के लिए नहीं। जो कर्रार होगा, तो क्योंकि कर्रार गैर फर्रार के साथ आया है, तो मेरे तसव्वुर में पहले ही आता है कि कर्रार गैर फर्रार को कहते हैं। जो कर्रार होता है वो फर्रार नहीं होता, जो फर्रार होता है वो कर्रार नहीं होता। जहन में ही आता है, पहला ख्याल जहन में ही आता है, जबकि ख्याल इससे बालातर है, मफहूम इससे ऊंचा है। कर्रार उसे नहीं कहते कि जो मैदान में डटता हो। अल्लाह मुझे तमन्ना ये अता फरमाए कि अपने माफी ज़मीर को बयान कर सकूं। कर्रार उसे नहीं कहते जो मैदान में डटा रहता, बल्कि कर्रार उसे कहते हैं जो हर मैदान में डटा रहता। कर्रार उसे कहते हैं जो हर दौर के मैदान में रहता हो। कर्रार तकरार के खानदान का लफ्ज़ है, कर्रार मुकर्रर के खानदान का लफ्ज़ है। जनाब हसनी साहब बैठे हुए हैं, जब कोई अच्छा शेर पढ़ता है तो आप कहते हैं ना मुकर्रर, ये अल्फाज अब तकरार ये मतलूब होते जा रहे हैं, मजमे में सहमत आती है मुकर्रर, यानी दोबारा कहिए। अगर किसी चीज को दोबारा दोबारा कहवाया करवाया जाए तो उसे मुकर्रर कहा जाता है। अली को कर्रार इसलिए कहते हैं कि आदम की मदद को ये आए, नूह अलैहिस्सलाम की मदद को ये आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद को ये आए, और जिसने नादे अली पढ़कर बुलाया हो उस मुस्तफा की मदद। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह चाहता है कि नाम बाकी रहे, जिंदा रहे, हमेशा रहे। और जब जलवा फरमाया है सन 30 आम फील में, नबी की 30 साल की उम्र मुबारक में, तो वो जलवा आखिर है, वो जलवा आखिर है, वो आखिरी नबी के लिए। तो कभी नूर कहा, और इस नूर को अल्लाह जलता और जिंदा देखना चाहता है। और मौला को जाहिरी तौर पर जरूरत मार के कुछ दिन की खुशियां हासिल करनी उन लोगों ने कि जिन्होंने ये समझा था कि हमने अली को मार दिया। अली तो जैसे जैसे शऊरे बशर बढ़ता जाएगा और जिंदा होते चले। मैं गुजारिश करूंगा जिम्मेदारों से और इलाके के बड़ों से कि तालीम को आम होने दीजिए और तालीम को आम कीजिए। और तालीम तालीम है, मदरसे की और कॉलेज की तालीम दो तालीमें नहीं। ये इस तरह ठीक हो जानी चाहिए कि वो दुनिया भी इल्म है, ये दीनी इल्म है। कोई इल्म ना दुनिया भी होता है ना दीनी होता है। इंसान होता है जो कॉलेज की तालीम को दीनी तालीम बना सकता है और जो मदरसे की तालीम को दुनिया की तालीम बना सकता है।
تعلیم تعلیم ہے، یہ تھا تفریق کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے، علم دین اور دنیاوی علم، یہ غیر علمی تقسیم ہے۔ ممکن ہے کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اور وہ کسی ملا مولوی سے زیادہ دیندار ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور وہ دیندار نہ ہو۔ ہولیوں سے دین نہیں ناپا جاتا، انسان کی بردباری سے، شخصیت سے، کردار سے دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر میرا علم میرے کان سے جا کر میری زبان سے نکل گیا تو وہ چاہے مدرسے میں پڑھا ہو، وہ علم دین نہیں ہے۔ اور اگر میرا علم کان سے جا کر میرے دل میں اتر گیا تو چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، وہ علم دین ہے۔ اگر رات کے 2 بجے کوئی آ کر مجھ سے مسئلہ شرعی پوچھے اور اسے ڈانٹ کر بھگا دوں تو میں عالم دین کہوں۔ اور اگر کوئی رات کے 2 بجے کسی ڈاکٹر کا دروازہ بجا کر کہے کہ مریض آپ کو یاد کر رہا ہے اور وہ اپنا بستر چھوڑ کے مریض کے علاج کے لیے چلا جائے تو یہی تو عالم دین ہے۔ صلوات پڑھیں جناب محمد و آل محمد۔ جس میں انسانیت نہ ہو، جس میں خدمت خلق نہ ہو، جس میں دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ نہ ہو، وہ عزیزان گرامی عالم اور دانشور نہیں ہے۔ اور خبردار، اس دانش کو حاصل کر کے، اس علم کو حاصل کر کے غرور نہ کرنا جو تمہیں متکبر بنا دے۔ علم اگر منکسر نہیں بناتا، علم اگر اپنی ذات سے آشنا نہیں کر رہا، علم اگر اپنے آپ سے آگاہ نہیں کر رہا تو وہ عالم اور دانشور نہیں ہے، وہ حجاب اکبر کا شکار ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے کہ جسے اصطلاحیں تو بہت یاد ہیں مگر اپنی ذات یاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ دوگرے بنوائیے، فریم کروائیے، خوبصورت خوش خطی سے لکھوائیے اور اپنے گھر میں لگائیے تاکہ آتے جاتے ان آیتوں پر نگاہ پڑے تو میری طبیعت اچھی ہو جائے، میں بہتر ہو جاؤں۔ سورہ مبارکہ تکبیر کی آیت، فائنا تذہبون، قرآن کی چھوٹی مختصر ترین آیت، کہاں جا رہے ہو؟ فائنا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اسے فریم کروائیے، گھر میں لگائیے، آتے جاتے آیت نظر آئے گی، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان، تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، بس اپنا خیال کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ سب خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو سارے جہاں کو ٹھیک کرنے والے اور اپنے سے غافل رہنے والے، وہ نہ صرف کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ سب سے بڑے مفسد شاید وہی ہوتے ہیں جنہیں سب کا تو خیال ہوتا ہے کہ وہ فلاں عیب رکھتا ہے، وہ فلاں برائی رکھتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اپنے اوپر پہلے غور کرنا ہے، دقت فرمائیے۔ تو یہ علم اگر کان سے گزر کے دل میں اتر جائے تو پھر یہ نور بن جاتا ہے۔ میں اور لفظ بہتر کروں، اور ایک مفہوم روشن کروں، عزیزان گرامی، اگر کوئی عالم ہو تو وہ ذرا ڈرا ڈرا رہے کہ کب وہ علم سلب ہو جائے، لیکن اگر کوئی ذات علم بن جائے تو پھر وہ قبر میں بھی ہوگا تو اس کا مزار نجف اشرف سے علم بانٹ رہا۔ ذات علم بن جائے، ذات عدل بن جائے، ذات شجاعت بن جائے، ذات شجاعت علی کی ایسی، دیکھنا چاہوں گا اس جملے پر، علی کی ذات شجاعت ایسی کہ جس کا نام پکارنے سے طاقت آتی ہو۔ سردار جی کہنے لگے، میرا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے
आवाज लगाता है, या अली सिख सरदार जी। तो कहने लगे, मैंने अपने पोते से पूछा कि बेटा तुम ये या अली की सदाई क्यों लगाते हो? तो कहने लगा, दादा मैं जब या अली कहता हूँ मेरे अंदर ताकत आती है, एक खास हौसला मिलता है वाला का नाम, जिसकी जात सखावत बन जाए, जिसकी जात इल्म बन जाए, जिसकी जात अदल बन जाए। बोला लिया था शाम में बसरे से एक ऐसी खातून को जिसने जंगे से फीन में मौला अली के मुतमहिल लश्कर को मुनज़्ज़म किया, जिसने मौला अली के पास भागते हुए सिपाहियों को यह कहकर बुलाया कि जिसे छोड़कर जा रहे हो उसी का सामना कयामत में होगा। कहां जा रहे हो छोड़कर? और मौला अली को पता ही पड़े कि लश्कर वापस आ गया। तो गादरा बुला लो, बहुत दिन हो गए, जरा इनसे पूछते हैं, अली तो अब दुनिया से जा चुके हैं, इन्हें अब अली की याद क्या सताती है, कैसे सताती है, क्या गुजर रही है अली के चाहने वालों पर? तो बसरे से बुलाई गई खातून जी उम्मुल खैर बीबी का नाम, तो कहा के दरबारियों से कहा कि जरा इसे पहचानते हो, कोई कहे बताए इसे को कौन जानता है? तो दो चार ने तो कहा कि जी मुझे हमें नहीं है मालूम, हमें याद नहीं आ रहा कौन है। एक करीब की कुर्सी पर बैठा हुआ था, कहने लगा मुझे तो ये भी याद है कि सफीन में ये किस रंग के ऊंट पर बैठ के आई थी, और मुझे तो वो आयतें भी याद हैं जो अली की शान में इसने पढ़ी थी। इसने एक ऐसा खुतबा दिया था कि इसने लोगों को मैदान में अली की तरफ लौटाया, और फिर अली का लश्कर इतना मजबूत हुआ कि हमें भागने पर मजबूर कर दिया। तो मुखातिब करके कहने लगा कि अली मर गए, कैसा लगता है? उम्मुल खैर से हाकिम शाम कह रहा है, अली मर गए कैसा लगता है? तो बेसाख्ता बोली, अली नहीं मरे, अदालत मर गई। सलावत पढ़े मौला की ज़ात पर। जो ज़ात अदल बन जाए, आता है बात आगे बढ़े। देखिए ये जो मौला ने फरमाया, अगर मेरी आंखों के सामने से हिजाब हटा दिए जाए तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। तो यकीन में तो वैसे ही इजाफा नहीं होगा, यकीन तो होता ही, वो आलम वो कैफियत है जो मुकम्मल हो। जो यकीन तक पहुंच जाए फिर अब उसमें इजाफे की कोई गुंजाइश ही नहीं। इल्म से यकीन का सफर, गुमान से यकीन का सफर तो कहा जा सकता है कि फिर मेरे गुमान में इजाफा नहीं होगा, मसलन जिसमें इजाफा मुमकिन होगा, यकीन में तो कोई इजाफे का इम्कान ही नहीं है, तो फिर मौला क्या फरमा रहे कि मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा अगर हिजाब भी हटा दिए जाए। तो मेरे बच्चों यकीन की तीन किस्में, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन। इल्मुल यकीन में इजाफे की गुंजाइश है, पहली किस्म, तीसरी बताऊंगा। इल्मुल यकीन, इल्म में मुसलसल इजाफे की गुंजाइश है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, हमारी और आपकी क्या हैसियत, ना बगाए रोजगार शख्सियात का क्या मकाम, जब सरकार को अल्लाह चाहता है कि बार बार कहे कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। मेरे हबीब बार बार कहो मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये घराना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ये नबी और अली का घराना अगर हाथ फैलाता है तो अल्लाह के आगे, और वो भी इल्म के लिए। वादी बड़ी हसास है और बड़ा वादी बड़ी नाजुक है और बड़ी मारिफत की वादी है। हमारा तो इल्म इल्म ही नहीं है। हमारा इल्म क्या है? चंद इस्तलाहों को याद करके, कुछ आयतों को याद करके, कुछ जमा तफरीक को याद करके। हम कभी प्रोफेसर कहलाते हैं, कभी आयतुल्ला कहलाते हैं, कभी डॉक्टर कहलाते हैं। हमें तो ये नहीं पता इस दीवार के पीछे क्या है।
हमारा इल्म कहाँ है? इल्म तो उनका है कि जिनके पास इल्म की सारी किस्में हैं, इल्म अशिया भी उनके पास हो, इल्म अब्दान भी अली के पास है, इल्म माकान व मायकून भी अली के पास हो, जर्रे जर्रे का इल्म जिसके पास हो, बदनों का इल्म जिसके पास हो, माजी में क्या गुजर गया जानता हो, आगे क्या होगा जानता हो, ये कैफियत अगर इल्म की हो तो फिर वो आलिम कहलाएगा। लिहाजा हम कितने ही पढ़े पढ़े लिखे हो जाएं, आलिम कहलाने के काबिल नहीं है। अल्लामा फहामा तो हद है और हदों से गुजरने वाली बात है। ये वला अली फरमाते नहनु अल उलमा, थके तो नहीं आप, नहनु अल उलमा व शियतुना मुतअल्लिमून, हम अहले बैत आलिम हैं, हमारे शिया सब शागिर्द हैं। तो वो बच्चे से भी अच्छी बात ले लेगा, और जिसने अपने ऊपर फौल चढ़ा लिया हो कि मैं तो बहुत दानिश्वर हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो वो फिर किसी बड़े के टोकने को भी पसंद नहीं करेगा। लिहाजा मैं बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, मेरी खुशकिस्मती है कि मजमे में 50% से ज्यादा मजमा जवानों का है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा हुआ है। मैं इनसे मुखातिब हूँ कि अपने आप को हमेशा शागिर्द रखना, अपने आप को हमेशा सीखने वाला रखना, कभी अपने आप को ये ना समझना कि तुम कुछ हो गए हो। बस जिसने जिस दिन ये सोच लिया कि मैं कुछ हो गया हूँ, वही दिन उसकी वापसी का है, वही दिन उसके जवाब का शुरू हो जाएगा। तो आलिम सिर्फ अहले बैत है, हम सब सीखने वाले हैं, हम सब मांगने वाले हैं, हम सब पूछने वाले हैं। मुझे खुशी हो रही है 90% लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, और जिन्होंने नहीं लगाया हुआ कुछ देर के लिए ज़रा उस बड़े मास्क से बचने के लिए ये वाला लगा लीजिए, जो खुदा न खास्ता कोई मशीनों में लगाया जाए। और फिर हमें जवाब भी देना पड़ता है मुख्तलिफ फोरमों पर कि ये कौन, अल्हम्दुलिल्लाह सलवात पढ़े मोहम्मद वाला, जिसमें इजाफा है। और हम सब इजाफे की कैफियत में हैं, हम सबको इजाफा चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। मुझे नबी मुकर्रम से अल्लाह कह रहा है मुझसे और इल्म मांगो, वो इल्म ज़ाते इलाही है, वो इल्म ज़ाते इलाही है जिसे नबी से मांग कहा जा रहा है कि और मांगो, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है उसे और मांगने की बात हो रही है। ये वाला इल्म नहीं है जो आज बिखरा फिरा है, फिरता है और जगह जगह मिल जाता है, ये इल्म नहीं है। इससे तो कहीं ज़्यादा इल्म वाला नबी जो दुआ में दहन मुस्तफ़ा ले लें तो उनके पास मौजूद है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी के साथ गुजर रहे, एक मरतबा सहरा से एक जगह से गुजर हुआ कि जिसमें अनगिनत चींटियाँ नजर आई, शायद अरबों खरबों चींटियाँ नजर आई। तो हजरत अबू ज़र ने फरमाया या अली अल्लाह जानता है कि इनकी तादाद कितनी है, और उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया मैं इनके नर और मादा की तादाद भी जानता हूँ। बदन सिर्फ मेरा और आपका तो नहीं है, बदन जानवर का भी है, ये मेंबर भी बदन है, ये माइक भी बदन है, ये कैमरा भी बदन है, बदन है ये बदन, तो हजारों तो इसी जगह गिन लेंगे तो हजार बदन से हम बदन निकलेंगे। बदनों की किस्में, हर बदन की किस्म अगर कोई जानता हो तो इल्मुल अब्दान का है। बदनों में अजीजाने ग्रामीण बीज भी तो है, दरख भी तो है, पत्थर भी तो है, ये सब बदन की किस्में हैं। इन सब के बारे में जानने वाले को इल्मुल अब्दान का आलिम कहा जाता है। ये भी अली के यहाँ कमाल पर, इस इल्म अब्दान में भी मौलाए कायनात यकता है, तन्हा है, अकेले हैं, अली जैसा कोई और नहीं है। ये फलकियात का इल्म,
ये फिजाओं का इल्म, ये सितारों और सैयारों का इल्म, ये जमीन और ज़रात का इल्म। एक शख्स को देखा वो काश्त कर रहा है, हज़रत नमाज़ देकर फरमाया काश्तकार था, क्या चाहते हो, क्या बोना चाहते हो? कहने लगा भिंडी बोना चाहता हूँ। हज़रत घोड़े से उतरे, कोठी में अपने हाथ उठाई और से देख के फरमाया नहीं इसमें कद्दू अच्छा होगा। फरमाया मैं जमीन के वजब वजब को जानता हूँ, बालिश बालिश को जानता हूँ, मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूँ। ये जो मौला फरमा रहे मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूँ, ये जोग्राफिया का इल्म नहीं था जो अली कह रहे थे कि मैं जोग्राफिया का इल्म जानता हूँ कि मशरक में कौन से मुल्क है, मगरब में कौन से मुल्क है। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूँ, यानी जमीन में जो अल्लाह ने नसें बनाई हैं, जमीन में जो अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं, जमीन में अल्लाह ने जो तवानाइयां रखी हैं। अली जानता है कि एक बारिश बाद क्या सलाहियत है और एक बारिश बाद क्या सलाहियत है। इसकी मिसालें मौजूद हैं, मैं जल्दी जल्दी आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसकी मिसालें मौजूद हैं कि मौला ने कहा किस अंदाज से इसके लोग का इजहार फरमाया जी। फलकियात का इल्म, इल्मुल यकीन जहन में रहे, गिरा पाते रहे मेरे बच्चे। फलकियात का इल्म, ये जितना इल्म में यकीन, इल्म वाला यकीन पढ़ेगा, इल्मुल यकीन पढ़ेगा, इतना ही इंसान के लिए बुनियाद बनेगी ऐनुल यकीन का सफर करने के। यानी इल्मुल यकीन को मजबूत करें ताकि आंखें खुलें। आंखें खुलेंगी नहीं उस वक्त तक जब तक के मालूमात का जखीरा नहीं होगा, हकायक से आगाही नहीं होगी। जा रहे हैं जंगे नहरवान पर, जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है और पेट से भी है, पेट से है घोड़ी, उम्मीद से है घोड़ी। बहुत लागर और नादवान घोड़ों और घोड़ियों पर बैठते थे नबी मौला अली, जो भाग न सकती हो सवारी उसमें बैठते थे। आपका और मेरा शौक होगा कि भागने वाली सवारी, सलवार पढ़े मोहम्मद वाला, जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है और पेट से बैठ गए मेरे वाला, तो दूर से एक शख्स ने आवाज लगाई या अली ये सफर आपका कामयाब नहीं रहेगा, आपका सितारा गर्दिश में। देखा आपने कुछ लोग अपनी हदों से बाहर निकलते हैं तो इमामों का भी हिसाब लगाते हैं, और शायद मेरी कौम का सबसे बड़ा मसला ही यह है कि लोग अपनी हदों को नहीं जानते। अगर शायर अपनी हदों को पहचान ले, और हसन साहब पे रखकर तो मैं कह सकता हूँ ये बुरा नहीं मानेगा, नाज़मीन अपनी हदों को जान ले, उलमा अपनी हदों को पहचान ले, आवाम अपनी हदों को पहचान ले, हर शख्स जान ले कि इसके आगे जाऊंगा तो पर चल जाएगा, तो कौम के मसले ही हल हो जाए। जो हमारी कौम की उलझने है ना, उसका एक बड़ा सबब यह है कि हदों का पता नहीं। हर शख्स यहां मुकम्मल है, हर शख्स यहां पूरा है, माफ कीजिएगा। इमाम का हिसाब पता है, चलिए आपका सितारा गर्दिश में, ये सफर आपका नाकाम रहेगा, ना जाइए। अली बैठ चुके थे, उतर आया, फरमाने लगे तू सितारों को जानता है? कहने लगा मेरा काम सितारा शनासी है, मुनजिम हूँ। हजरत ने फरमाया अच्छा तो फिर बता वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है, बिल्लियों की हालत बदलती है। खामोश खामोश रहा, जवाब नहीं था। हजरत फरमाया चल कोई बात नहीं, वो सितारा कौन सा है जो अपनी जगह से हिलता है तो ऊंट पर ऊँटों पर एक खास कैफियत आती है। मौला ने कैफियत बताई है, मैं नहीं बता रहा, वो एक शहवत की कैफियत आती है, एक खास दिन आता है, वो कौन सा सितारा है? खामोश को जवाब नहीं। हजरत फरमाया अच्छा तू आसमान की बातें कर रहा था, बता मेरी घोड़ी के सूंड के नीचे क्या है? घोड़ी खड़ी है, उसके पैर के नीचे कुछ है, वो क्या है? खामोश। हजरत फरमाया चल घोड़ी के शिकम पे हाथ रख के फरमाया बता इसमें नर है या मादा, इसके शिकम में नर है या मादा।
कोई जब अपनी खातिर से फरमाए तू सामने की चीज नहीं बता सकता, आसमान की बातें कर रहा हूं। मैं जिस जंग पर जा रहा हूं मैंने इससे कामयाब जंग लड़ी नहीं। मैं जाने से पहले बताता हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मैं मैदान में पहुंचने से पहले बताता हूं मेरे 10 लोग नहीं शहीद होंगे और उनके हजारों मारूंगा और 10 नहीं बचेंगे। और मैं जाने से पहले बता देता हूं मेरा कौन कौन शहीद होगा और उनका कौन कौन भागेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्म उल अब्दान, इल्म उल अशिया, इल्म मा कान व मा यकून, ये इल्म की कैफियत से जब इंसान का कमाल आंखें खुलेंगी भाई, फिर हिजाब हटेंगे, फिर चश्मे बरतफी खुलेंगे, फिर जो मरने वाले देखते हैं वो जिंदा देखेंगे। जो लोग मरने के बाद देख रहे होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में देख लेते हैं मगर वो बहुत कम होते हैं, ढूंढने से मिलते हैं। जो दुनिया में देख लेते हो वो चीज जो मरने के बाद पुरा देखता है, इस आंख के खुल जाने को कहते हैं चश्मे बरतफी का वाह हो जाना, बरतफी आंखों का खुल जाना। और जिसकी बरसखी आंखें खुल जाती हैं उसका हुलिया, उसका ढंग, उसका रंग, उसकी चाल बदली भी होती है। लोग उसे मजजूब समझते हैं, लोग उसे पागल समझते हैं। ये मौला फरमा रहे हैं तजुर्बा के निकले कि जिनकी आंखों से हिजाब हट जाते हैं लोग उन्हें मजजूब समझते हैं, लोग उन्हें दीवाना समझते हैं, लोग उन्हें अपने करीब बिठाने से गुरेज करते हैं। जबकि वो तो वो होते हैं जो वो देख रहे होते हैं जो वो नहीं देख रहे हैं। आंखें खुली भी होती हैं, वो हकायक को देख रहे होते हैं। ऐसे लोग ढूंढने से मिलते हैं और अगर कहीं मिल जाए तो अजीजों उनसे इस्तेफादा होना चाहिए। ये जो हमारे चौकों में मांगने वाले खड़े हैं ये फकीर नहीं है, जलील है। फकीर तो मांगता ही नहीं है, देता है भाई। बात अगर जा रही हो तो गर्दन हिला दीजिएगा, मुझे लगे बात जा रही है। हमारे सलवार पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो आप चाह रहे हैं मैं वही बयान कर रहा हूं। माशरे में फकीर एक तो मिल नहीं रहे, मिल जाए तो मुझे भी मिलवाइएगा। ये जो चौकों पे रोडों पे हाथ फैलाए खड़े हैं ये जलील लोग हैं। सबसे ज्यादा अली को नफरत उनसे है जो अपने जैसों से मांगता हो। मौला को शदीद नफरत है उन लोगों से जो अपने जैसों के आगे हाथ फैलाता हूं। वो जो है भाई आप सुनने के लिए आए तो मैं कुछ कहना चाहूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी तवाफ खाने काबा में मसरूफ है। हशाम इब्न अब्दुल मलिक गवर्नर मक्का, उसे मालूम हुआ सहाबी पैगंबर तवाफ में है, मताफ में है। करीब करीब आकर सलाम किया, उन्होंने मुड़ के देखा, कहा हुजूर मैं गवर्नर हूं। कहा मैं जिस जगह पर हूं मुझे किसी गवर्नर की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह के घर के साथ भी गवर्नर के एहतराम करूं। अल्लाह की खातिर आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। ऐसे लोग बोलने के बड़े माहिर होते हैं, इन्हें बोलना सिखाया भी जाता है। कहने लगा जी अल्लाह की खातिर ही आपसे कुछ कह रहा हूँ। कहा कहो क्या कह रहे हो? कहा मुझसे कुछ मांगिए, मुझे कोई खिदमत बताइए, मुझे कोई काम बता दीजिए। कहने लगे दुनिया मैंने छोड़ दी है, आखिरत दे सकते हो? फरमाने लगे कि मैं फिर तुमसे क्यों मांगू जो मुझे आखिरत में दे सकता हो, मैं उससे क्यों मांगू? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने फैसला कर दिया जो आखिरत में कुछ दे सके उससे मांगना जाएगा।
बुला लीजिएगा, जो अली को दुनिया में चौथे नंबर में मानते हैं और आखिरत में पहले नंबर में मानते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आखिरत में अली के बगैर गुजारा नहीं है और दुनिया में अली चौथे नंबर पर। भाई जब बिलाखिर तुम्हें अली से ही काम पढ़ना है, मैंने बड़े मुरीद देखे जिन्होंने पीरों को मरवाया। मेरा पीर ऐसा, पीर कहता है ये कह रहा है मुझे नहीं पता, मेरा मुरीद बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मुझे तो नहीं पता कि मैं ऐसा हूं। भाई हद में रहो, हद में रखो। बैठी है और महातुल मोमिनीन बैठी है, हजरत आयशा तशरीफ फरमाए, एक सहाबिया ने आवाज देकर कहा या आयशा जन्नत में आप नबी की ज़ौजा होंगी। बीबी ज़हरा को देखकर कहा आप अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा होगा। सवाल है आप नबी की ज़ौजा होंगी वो कह रही है, और जनाब ज़हरा से कहा कि आप अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा है। हजरत आयशा ने उसे जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया और जनाब ज़हरा को देखकर फरमाया लैतनी कुंतु शारत रासिख, फातिमा काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। किसी ने नहीं कहा कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा से अफ़ज़ल हैं। तो वही अकीदा रखो जो बड़ों का है। भाई सलावात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। बैलेंस बिगाड़ के चलता हो, गैर मुतदिल जो इंसान हो
उसकी इस्लाह की ज़रूरत होती है, मगर जो अहतदाल के साथ चल रहा हो उससे पहले उसका एहतराम ज़रूरी है। वो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आया होता है। उसने सलाम के साथ मुझे अली मदद कहा तो मैंने फौरन उसे सलाम का जवाब भी दिया और मौलाना अली मदद कहकर भी जवाब दिया। तो कहने लगा कुछ दूँ, ज़ोहद की तारीफ मालूम है क्या है? ज़ोहद किसे कहते हैं? मैंने कहा आप बताइए। मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं, अगर कोई बड़ा कभी आपको नसीहत कर रहा हूं ना और पूछ रहा हूं ऐसे तो मैं ये बताए तो खबरदार बताने मत बैठ जाना। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, अगर कोई बड़ा, कोई आलिम, कोई उस्ताद, कोई प्रोफेसर, कोई इलाके का सफेद मालूम वाला अगर कभी आपसे कहे ना कि तुम्हें ये पता है तो फौरन बताने पर बैठ जाना, जिल्लत होगी। फौरन वही जवाब देना जो अक्सर अली नबी को देते थे कि अल्लाह और अल्लाह का नबी ज्यादा जानता। तुम एहतराम में उसे कहे आप मेरे बड़े, हम एहतराम में उससे कहेंगे आप हमारे बड़े, आप ज्यादा जानते। जब आपने उनका दिल मोल लिया और उन्हें अपना बड़ा मान लिया तो फिर देखिएगा कितनी अताएं होती। हमने भी ऐसे ही जवाब दिया, हमने कहा जी आप ज्यादा जानते हैं, आपको ज्यादा पता है। तो कहने लगा ज़ोहद की, कहने लगे ज़ोहद की सात मंजिलें, सातों मंजिलें गुजारोगे तो अल्लाह के वली बन जाओ। मैं आज पहली मंजिल बताऊंगा, दूसरी मंजिल तुम्हें बताने के लिए और फकीर मिलेगा, और वो पहली मंजिल है जात की नफी। खुद पसंदी और तकब्बुर से बचना, गुरूर और अनानियत से बचना, अपने आप को कुछ समझ ना बैठना, अपनी जात की नफी करना, तुम उस वादी पर आ जाओगे, उस ट्रैक पर, उस रस्ते पर आ जाओगे जो तुम्हें विलायत के रस्ते दिखाएगा। ये पहली क्लास है करबला वालों के साथ, अहले बैत के साथ चलने वालों की पहली क्लास है जात की नफी। जो अभी पहली जात पहली क्लास का फारिग तहसील ना हो तो चाहे कुछ भी हो करबला ही नहीं है, हैदरी नहीं है। इस हैदरी के लिए पहली क्लास है जात की नफी। थक तो नहीं रहे? अपनी जात की नफी पहली क्लास है करबलाइयों और हैदरियों के लिए। मैं तो इतना जात का असीर हूं कि नाम मेरा शहंशाह हुसैन नकवी रखा मेरे वालदेन ने, और अगर कोई मुझे शहनशाह हैदर जैदी लिख दे तो मैं नाराज हो जाता हूँ, मेरा नाम क्यों बिगड़ गया। जो अभी नामों की कैद से ना निकला हो, जो अभी सलाम दुआ की उलझनों से ना निकला हो, जो छोटी छोटी बातों में मुझे तुम्हारे बेटे ने सलाम नहीं किया था, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमेशा छोटा ही बड़े को सलाम करे? हाँ अदब सिखाना होगा बच्चों को, मगर ये कहाँ तय हुआ है कि हमेशा छोटा बड़े को सलाम करे? ये किसने तय किया है? जो तय करने वाले थे उन्होंने तो तय नहीं किया भाई। मदीने के बच्चे कभी कामयाब नहीं हुए कि नबी को सलाम करने में पहल कर सके। और फिर सारे मदीने के बच्चों ने तय किया कि तुम चार वहां खड़े हो और हम पांच यहां खड़े होते हैं, और सरकार यहां से गुजरेंगे तो वहां आएंगे और हम गली से मुड़कर फौरन अचानक सामने आकर कहेंगे कि अल्लाह के नबी पे सलाम हो। और सरकार मुड़ने से पहले कह देते थे जीवार के पीछे जो छुपे खड़े हैं उन पे सलाम। नबी से बढ़कर कोई है? सरकार है तो जहां से बड़ा कोई है? और हमारे माशरे का बड़ा कहता है कि मेरे भतीजे ने मुझे सलाम नहीं किया, लिहाजा भाई से भी नहीं मिलूंगा। जो जात का असीर हो वो करबला ही नहीं हो सकता, हैदरी नहीं हो सकता। अपनी इज़्ज़त से हाथ उठाना होगा, अपनी अनानियत से हाथ उठाना होगा। है मुश्किल काम मगर करने का है। तवज्जो कर दिया आपने? हक़ुल यकीन, ये वो आखिरी मंजिल है। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, और ऐनुल यकीन पर जब कुछ अरसे कायम रह सके, बड़ा मुश्किल है कायम रहना।
बाद बच्चे जवान कहते हैं कि जी हमें वो चीज़ पर नजर नहीं आती जो कि किसी और पर जाती है, हम तहमिल नहीं है, मर जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे अभी अगर मालूम हो कि मिसाल के तौर पर बस इस पेपर के नीचे फला चीज रखी हुई है, पढ़ सकूं तो मजलिस से, भाई हमारा जाहिल रहना ही हमारे हाथ में। खास चीजों में हमारा जाहिल रहना हमारे हाथ में, इसलिए कि ज़र्फ़ इस काबिल नहीं है। वो जो इल्म और यकीन से ऐन और यकीन का सफर करते हैं वो बड़े लोग हैं, और ऐन और यकीन वाले जिनके आंखों से हिजाब हट जाए, जो सब कुछ देख रहे हो, जो सब कुछ देख रहे हो, वो कितने मुतहम्मिल होंगे, कितने वजीन होंगे, कितने सकील होंगे, कितने वजनी लोग होंगे। इसके बाद की मंजिल है जिस पे अलीफ आए, और वो है हक़ुल यकीन, जो खुद यकीन बन जाए। लिहाजा मौला फरमा रहे अगर मेरी आंखों के सामने से हिजाब हटा दिए जाए तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। इससे बड़ी क्लास ही नहीं, हक़ुल यकीन की क्लास। बहस अपने मज़मून के महवर पर है, और महवर एक गुफ्तगू यह है कि परवरदिगार आलम ने इस ज़ात को सजाकर भेजा है, हर उस कमाल से सजाकर भेजा जिसकी जरूरत बशरियत को थी। तमाम कमालात का मजमुआ अली की ज़ात, कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अली में कमाल पर ना हो। तमाम कमालात जहां जमा हो जाए उसे अली कहते हैं, और अल्लाह इस दरवाजे पर हमें इसलिए देखना चाहता है कि मंतिक के ऐन मुताबिक है, हिकमत के ऐन मुताबिक है, इल्म व दानाई के ऐन मुताबिक है। इंसान कमाल तलब है, थकेंगे नहीं, इंसान कमाल जू है। कोई हुस्न को कमाल समझता है तो हसीनों से दोस्ती करता है, कोई इल्म को कमाल समझता है तो अहले इल्म से दोस्ती करता है, कोई शजाअत को कमाल समझता है तो बहादुरों के किस्से सुनाता है, कोई सखावत को कमाल समझता है तो अहले दिल और सखियों से दोस्ती करता है, कोई इज्जत को कमाल समझता है तो इज्जत वाले लोगों से, साहिबान इज्जत से दोस्ती करता है, कोई कुर्सी को कमाल समझता है तो साहिबान मनसब से दोस्ती करता है, कोई शोहरत को कमाल समझता है तो मशाहिर से दोस्ती करता है। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं, एक ही जगह सारे कमाल आप रख लिया, इस दरवाजे पर आ जाओ तुम्हें सारे कमाल मिल जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदगी कमाल पर पहुंचे तो वो दर्जा, वो कैफियत शहादत की कैफियत है। बेकस मयसर नशुदी शहादत, बेकाबे विलादत, बेकाबा विलादत, बे मस्जिद शहादत, जिसकी आमद भी अल्लाह के घर से हो और जिसकी रुख्सत भी अल्लाह के घर से हो। उसका रुख्सत होना अल्लाह के घर से बता रहा है कि उसकी जिंदगी भी अल्लाह के साथ थी। काबे में आमद, मस्जिद में शहादत। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को कूफा में चलिए, जिसके कुछ फासले पर नजफ है। ये नजफ तो छठे इमाम के ज़माने में जाहिर हुआ, वरना तो ये खुश्क हो जाने वाला बहर, बहरुन जफ, खुश्क हो जाने वाला समंदर, जहाँ समंदर गुजरता था
दरिया पहर यानी दरिया। 3000 जगह हज्जाज ने गढ़े खुदवाए, यहां से अली की मैयत निकाल के लटवाऊंगा। लोग इस घराने से इनकी जाहिरी जिंदगी में भी डरते थे और लोग आज इनकी खबरों से भी डरते हैं। और मुजरिम हमेशा बुजदिल हुआ करता है, ये कायदा है, मुजरिम बुजदिल होता है। और बुजदिल का काम तो बेहयाई है, बेअदबी है, बदतमीजी है, ज्यादती है, जुल्म है। तो मैं अली की खबर क्या कर रही थी, क्या लोग उसे बने रहने देते, बनता देख लेते। वहीं पता है कि इस खबर से लोगों को हिदायत मिलेगी, ये खबर लोगों को रहनुमाई करेगी, लोग इस खबर पर आकर अहद मानेंगे, लोग इस खबर पर आकर वादे करेंगे, लोग इस खबर पर आकर अपनी आदतें छोड़ेंगे और कुछ अच्छी आदतों का वादा करेंगे। ये कब्र नहीं है बल्कि मातागाह है, मियाद है, जहाँ अहद होते हैं, जहाँ वादे होते हैं। जहाँ जाने वाला वहाँ पहुँच कर वैसा नहीं आता जैसा गया होता है, उसके जाने और उसके आने में फर्क आ जाता है। ये कब्रें हमें पता है कि इन कब्रों का और अहले दिल को पता है कि इन खबरों का नतीजा क्या है, लेकिन जो जानते हैं कि इन खबरों से उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा, उनके मंसूबे नक्श पर आब हो जाएंगे, वो फिर इन खबरों को गिराते हैं। 3000 जगह गढ़े खुदवाए हज्जाज ने, यहाँ से अली की मैयत निकलेगी, मैं इसे लटकाऊंगा। असरदारो, तुमने जिंदगी में सर पे ज़रबत मारी और शहादत के बाद कब्रों की बेहरमती की। मैं इन अज़ादारों के ज़रिए उनसे कह रहा हूँ, तुमने कब्रों की बेहरमती की, क्या हासिल हुआ? ये तो हमारे सीनों में बसते हैं। अली की कब्र नजफ में होने से पहले हमारे सीने में है। अगर दुनिया में आगो अली के चाहने वाले हैं तो तुम कब्र को गिराने की जो नापाक अजायम रखते हो, पहले हमारे सीनों को अली की मोहब्बत से खाली करके दिखाओ। ये अजीब तरह का इश्क है, ये अजीब तरह की दीवानगी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस कैफियत से दुश्मन हमें निकाल सके, नामुमकिन है। चलिए, ज़ैनब के रोने की आवाज़ बंद हो गई, बीवी उम्मे कुलसूम के क्या कर रही है, अयाम शुरू हो चुके हैं। खास तौर पर अजीजों, ये जो रात गुजरे और सुबह आए तो नमाज फज्र के बाद फौरन सोना जाना, कुछ देर के लिए नौहे की किताब ले लेना, अजरकुमल्ला जो रोने आए अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब ज़रबत है मौलाए कायनात की, एक नौहे की किताब अपने हाथ में ले लेना और नौहा पढ़कर अपनी आवाज़ को बीबी ज़ैनब की आवाज़ में मिलाना, इमाम हुसैन के किस्से में मिलाना, इमाम हसन के ज़रिए में मिलाना। और नज़रदारों, एक और रोने की आवाज़ है, वो है अब्बास की आवाज़, मौला अब्बास को भी गुस्सा देना है। अजरकुमल्ला मौला नबी शाबान के आखिरी जुमे का खुतबा, माह रमजान की फजीलतें बयान करते हुए, इसके आमाल और इस महीने में क्या करना है वो बयान करते हुए एक मरतबा पहुंचे इस जगह के, इस महीने में मिस्कीनों को सदका देना पूरे साल सदका देने से ज्यादा सवाब रखता है। ये कहकर एक ठंडी और तवील सांस आपने ली, एक सांस भरी आपने, तो मौला अली की आवाज़ आई, या रसूलल्लाह,
ای عمل افضل فی هذا الشهر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ کہہ کر علی کی چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اتنی دیر تک دیکھتے رہے کہ سارا مجمع متوجہ ہوا کہ نبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے نبی کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ مولا علی نے دیکھا کہ نبی مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں تو آواز دے کر کہا ما یبکی کا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا علی اس مہینے میں تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا، تاریخ بندگی اور تاریخ بشریت کا سب سے بڑا گناہ اس مہینے میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ تمہارے سر پہ ضربت مانی جائے۔ جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا اس کے گھٹنے کاٹے تھے، اس کے بچے کو مارا تھا، یہ مارنے والا اس سے بھی زیادہ شقی ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس وقت، میرا اس وقت دین سالم ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت آلو یہ جملے اہل بیت کے جملے ہیں، یہ جملے بیان کرنے اور سمجھنے کے جملے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں اس وقت میرا دین سالم ہوگا، مولا نبی سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، مگر دین کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ خبردار، ماہ مبارک رمضان ہے میرے بچوں جوانوں، اپنا دین سنبھالو، اس لیے کہ دین اسے کہتے ہیں جس پہ حسین بھی قربان ہو جائے، دین اسے کہتے ہیں جس پہ علی قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کیا میرا دین صادق ہوگا؟ فرمایا یا علی تم کمال دین پر ہو گئے، تم دین کے کمال پر ہو گئے۔ علی تمہارے چہرے کی، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو گئی، اور کانی بیکا یہ ذہن میں رہے کہ میں بھی وہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، جب تمہیں مارا جا رہا ہوگا میں وہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ رونے والے ایک جملہ کہوں، جنہوں نے زینب کو رلایا ہے، جنہوں نے بابا کے سر پہ تلوار مار کے حسین کو رلایا ہے، وہ اس جملے کو سنے انہوں نے نبی کو رلایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شہید پر رونا نہیں چاہیے، شہید تو سعادت مند ہوتا ہے، اس پہ رونے کا مطلب نہیں ہے۔ نبی مولا علی کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، نبی مولا علی کی شہادت کو یاد کر کے شہادت سے پہلے رو رہے ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے تو یہ تو زندگی، شہادت سے پہلے کی زندگی میں نبی کریا کر رہے ہیں۔ فرمانے تمہارے چہرے، تمہاری داڑھی، تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ نبی کی بشارت جو تھی نا، وہ اس وقت مولا علی کو یاد آئی جب سر پہ ضربت آئی۔ چلیے اب چلیے ذرا کوفہ چلیے، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ نپٹتی ہیں، زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن میں آج افطار اپنی بیٹی کے گھر کروں گا۔ ہندوستانی فیملیوں میں، ہندوستانی خانواتوں میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں چاہیے، میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ کے ہندوستان کی اصطلاح تو ہوگی کہ بیٹیوں کے گھر کھانا نہیں چاہیے، مگر بیٹی کے گھر علی نے کھایا ہے۔ بیٹیوں کا دل کیوں توڑتے ہو یہ کہہ کر کہ بیٹیوں کے گھر نہیں کھائیں گے؟ بیٹی سجا کر تمہارے سامنے دسترخوان لگا دی، تم کہتے ہو بیٹی کے گھر نہیں کھائیں گے؟ مولا فرما رہے ہیں بیٹا میں آج بیٹا حسن میں بیٹی زین، بیٹی ام کلثوم کے گھر کھانا کھاؤں گا، میں افطار بیٹی کے گھر کروں گا، ام کلثوم کے گھر کروں گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیٹی نے کیا سوچا ہوگا کہ بابا آ رہے ہیں، کیا بناؤں، کیا تیاری کروں، دسترخوان پر کیا کیا ہو؟ ایک جانب بابا کی آمد، ایک جانب بابا کا مزاج، بی بی ام کلثوم کیا رکھے دسترخوان پر،
तो बीवी ने बाबा के मिजाज को सोचते हुए दस्तरखान पे जौ की रोटी रखी, एक जर्फ में नमक रखा, एक कूजे में दूध रख दिया। जब मेरे मौला दस्तरखान पर आके बैठे ना इफ्तार करने के लिए, तो चेहरे को देखा, बेटी के चेहरे को देखा और कहा, तुमने अपने बाबा को भुला दिया। तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें होती हैं? तो बीवी ने पढ़कर चाहा कि नमक को उठा ले, कोई एक चीज कम कर ले, तो हाथ रोक कर फरमाया, दूध उठा लो। कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें दूध का इंतजार रहता है। अजरो कमल अल्लाह अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें तब्दील करनी है। सारी रात मेरे मौला हर रात की तरह इबादत में मसरूफ है, मगर हर कुछ देर के बाद हुजरे से निकल के सहन में आते थे और आसमान पर कुछ तलाश करते थे और फिर दोबारा हुजरे में आ जाते थे और फिर कुछ देर के बाद आसमान पर ढूंढते थे कि कुछ मर्तबा के बाद अली को कुछ नजर आया तो आवाज दी, हाज़िहिल लैलतुल लज़ी क़द वईदतु, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। और ये कहकर लौटे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ सकते हैं कि बेटी का क्या हाल हुआ होगा। आगे आगे खड़ी हो गई बीबी उम्मे कुलसूम, बाबा ये कलमा इस दर्जा कैसा है? थके नहीं जिन्हें रोना रहा है, बाबा ये कौन सी रात है जिसका आपसे वादा किया गया था? बाबा ये कैसी रात है जिसका आपसे वादा किया गया? कहा, उम्मे कुलसूम, तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि माह रमजान की 19वीं शब होगी और सुबह सादिक के बाद हालत सजदा में तुम्हारे सर पे ज़रबत मारी जाएगी। ऐ उम्मे कुलसूम, उस रात की जो निशानियां बताई थी वो पूरी है, मुझे तैयारी करने दो, मैं मस्जिद जा रहा हूं। हुजरे में गए, मामा सर पे रखा, अब आगोश में ली, अली ने एक मरतबा पटका कमर में बांधा और हुजरे से बाहर निकले। अजादारो, शायद आपके घरों में, बास घरों में परिंदे भले हो, अंधेरे में तारीकी में परिंदे कोना लेके बैठते हैं। अगर आपने उन्हें पिंजरे में बंद ना किया हो, घर में आजाद भी रहते हो, तो वो एक कोना लेके बैठ जाते हैं। अंधेरे में परिंदे निकलते नहीं है। जैसे ही मेरे मौला हुजरे से निकले, मुर्गाबियां दौड़ती हुई आई, बत्तखें दौड़ती हुई आई, मौला की अबा का दामन अपनी चोंच से पकड़ने लगी। अली जमीन पर बैठ गए, एक एक के सर पर और बदन पर हाथ रखने लगे और बीबी उम्मे कुलसूम बराबर में खड़ी थी, फरमाने लगे, बेटा तुम्हारी मुर्गाबियां मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मुझे रुखसत कर रही है। बीबी को एक मरतबा इस्तराब होने लगा, फरमाया, बाबा भाई हसन से कहिए कि वो नमाज पढ़ा दे, आज आप घर में ही नमाज पढ़ लीजिए। तो मुड़ कर देखा और फरमाया, तुम मुझे उस रात से, उस मंजिल से रोक रही हो जिसका इंतजार तुम्हारा बाबा मुद्दतों से कर रहा। घर से निकलने लगे तो जंजीरें दर ने कमर में लिपट कर मौला को रोक दिया। जंजीर खोलते हुए फरमाया, उम्मे कुलसूम, तुम्हारे तो घर की दीवारें भी नौहा पड़ रही हैं। मेरे मौला अजरो कमल अल्लाह, मेरे मौला थकेंगे नहीं, मुझे दो मंजिलें लेनी है। मेरे मौला घर से निकले, मस्जिद कूफा में पहुंचे। इब्ने मुलजिम औंधा लेटा हुआ था, उसने अपने पेट के नीचे वो तलवार छुपाई हुई थी जिससे उसे जुल्म करना था। आवाज देकर कहा, उठो, नमाज का वक्त है, नमाज की तैयारी करो। अली को तो पता था कातिल है, अली को तो पता था जालिम है, अली को तो पता था ये कौन है। जो अली अपने दुश्मन को बेनमाजी पसंद ना करे, वो अली अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी, उठो, नमाज का वक्त है। एक मरतबा मौला मेहरा में इबादत में गए, जमात के लिए सफ़े बनना शुरू हुई, इब्ने मुलजिम भी सफ में खड़ा हुआ है। अली ने पहली रकत का पहला सजदा अदा किया, अभी दूसरे सजदे के लिए सर उठने वाला था कि तारीख बशरियत का ऐसा जुल्म जिसे नबी ने कहा इससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। एक मरतबा फिजा में वो तलवार बुलंद हुई जो हजार दिरहम में खरीदी गई थी, उसे हजार दिरहम में जहर लेकर बुझाया गया था। एक मरतबा फर्ज अक्दस से अली पर आके रखी गई और आवाज आई, अला कद तहत्तमत अरकानुल हुदा, अला कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, कूफे की दरो दीवार।
गिरने लगे। अली को मार दिया गया, अली के सर पे जरबत मार दी गई, वो तलवार मेरे मौला के आधे सर में उतर गई। मेरे मौला हसन आगे बढ़े, बाबा को सहारा दिया, बाबा को सहारा दिया, खून मेरे मौला के सर से बह रहा था। मेरे मौला के सर पे पट्टी बांधने लगे कि ये सर जो खुल गया है ये सर रुक जाए। तो पट्टी बांधते हुए मौला हसन से फरमाया, पहले मुझे बताओ मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? अल्लाह ने इत्मीनान आली, अल्लाह ने इत्मीनान आली, फरमाया बताओ मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? पेशानी का बोझा दिया, बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। अली को मेहराब में मस्जिद से लगाकर टेक देकर बिठाया, फरमाया बेटा हसन तुम नमाज को मुकम्मल करो। इमाम हसन ने नमाज को मुकम्मल किया, नजरदारों के रिया हो गया, मजलिस हो गई आज की। मेरे मौला हसन ने नमाज को मुकम्मल किया, अब मौला अली को ले जाने के लिए तैयारी की। मेरे मौला अली के पैरों में नालेने पहनाई गई, अली दो कदम सुन रहे हैं, अली के चाहने वाले, बाबे खैबर उखाड़ने वाला, बेटा गिरिया न करो, बेटा गिरिया न करो। जैसे ही घर में पहुंचे